अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हम तुम फूड रेसिपीज़। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी देसी डिश, पकोड़े वाली कड़ी। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पकोड़े बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें है, बेसन हमने ले लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। पालक हमने ले ली है बारीक कटी हुई, तकरीबन 5 से 6 पत्ते मैंने इसके लिए हैं और उसको धो के काट लिया है। उसके साथ मैंने ले लिया है आलू, आलू मैंने बिल्कुल इस तरह से काटे हैं बारीक और स्लाइस है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया इस तरह से काट के रख लिया है। उसके साथ पकौड़ों में जाएगा प्याज, मैंने दरमियानी साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया। साथ में जो मसाले जाएंगे उसमें है 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च की ली है, 1.5 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, 1 चुटकी मैंने हल्दी ली है, 1 चुटकी मैंने सूखा धनिया लिया है, साथ में मैंने लिया है ज़ीरा और 1 चुटकी कलौंजी की। ये सब था पकौड़ों का आइटम। साथ में हमने ले लिया है थोड़ी सी सब्ज मिर्चें, ये सब चीज़ें पकौड़ों में डलेंगी। कड़ी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसके लिए योगर्ट मैंने ले लिया है तकरीबन 1/2 किलो का, उसके साथ मैंने लिए हैं 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का और इसको मैंने मोटे क्यूब्स में काट लिया है, इसको मैं अभी कड़ी इसकी लस्सी के साथ ग्राइंड कर लूँगी। साथ में मैंने लिया है बेसन, ये मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। 1 ले लिया है हमने प्याज दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून तकरीबन। मसालों में मैंने लिया है सिर्फ नमक हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून के करीब हल्दी ली है। उसके साथ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल पकोड़े भी तलने हैं और ऑयल से ही कड़ी भी बनेगी। साथ में तड़का लगाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 मैंने कड़ी पत्ता लिया है, 2 ग्रीन चिलीज ली हैं और 2 सूखी हुई लाल मिर्च जो होती हैं वो ली हैं। तो सबसे पहले हम लस्सी बनाते हैं। लस्सी बनाने के लिए हम एक कुकर मशीन लेंगे, उसमें मैं ऐड करूंगी योगर्ट, किलो योगर्ट में हम डाल देंगे, फोर टेबल स्पून के करीब बेसन, साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा पानी, साथ में मैंने इसमें ऐड कर लिया पानी 1 कप और फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। लस्सी हमारी बन चुकी है, अब हम आते हैं कड़ी की तरफ। सबसे पहले हम चूल्हे पे पैन रख लेंगे, चूल्हे को हम ऑन करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी से आप बनाने वाली रेसिपी है। सिर्फ आपने लस्सी बनानी है और उसके बीच में आपने पकौड़े बनाने हैं, कोई फालतू चीज इसमें नहीं डलेगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हम पका लेंगे। हम इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इसको एंड तक देखें, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी।
कढ़ी पकौड़े को आप तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी खा सकते हैं। ऑयल मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि इसके बाद हमने इसको तड़का जब लगाएंगे उस टाइम भी हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होने वाला है, इसमें साथ ही हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा इसमें मैं ऐड कर लूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने से ये होगा कि प्याज बिल्कुल गल जाएगा। सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालना है और इसको पका लेना है। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। एक से 2 मिनट के लिए हम इसको दरमियाने फ्लेम पे ढक देंगे। मसाला भी भून चुका है तकरीबन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लस्सी। लस्सी डालकर इसको फुल आंच पे पकाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी और पानी। पानी में इसमें ऐड करूंगी तकरीबन आधा जग के करीब और इसको फुल आंच पर एक बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक कि हमारी कढ़ी बॉयल होती है हम पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन ले लिए। बेसन में ऐड करने हैं नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और इलायची 1 टीस्पून एक चुटकी। इसके बीच में ऐड करेंगे रेड चिली और सॉरी ग्रीन चिली। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ। इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मैं इसमें ऐड करूंगी आलू और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मसाला कम है तो आप इसमें और बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने पहले ही दरमियाना डाला था, मुझे ज़रूरत नहीं है बेसन डालने की। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको वाकई में लगे कि आपका बेसन कम है तो आप उसको डायरेक्ट इस तरह नहीं डालेंगे, उसको अलग बर्तन में मिक्स करेंगे पानी में, उसके बाद इसके अंदर आप डालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक और पालक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इस मेज़े को हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए क्योंकि हमने कढ़ी भी 2 से 3 घंटे तकरीबन इसको हम पकाएंगे, इसीलिए कढ़ी अच्छी बनती है। जितना वो पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। और 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। और अब देखते हैं हम कढ़ी को। कढ़ी भी हमारी बॉयल हो चुकी है, इसको एक बॉयल आ गया है। अब इसको हम बिल्कुल दरमियाने आंच पर 2 से 2.5 घंटे रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 3 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल दरमियाने आंच पर। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। देखिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कढ़ी हमारी बॉयल हो रही है, इसका ऑयल भी निकल आया है। ये बहुत ज़बरदस्त थिक भी हो गई है। इसको इसी आंच पर पकने देंगे मज़ीद। तो अब हम बनाते हैं पकोड़े।
पकोड़ों का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो कुछ इस शक्ल में हो गया है। थोड़ा सा पानी आलू और थोड़ा सा पानी पालक ने भी छोड़ा है और ये थोड़े ज़बरदस्त से हो चुके हैं, मतलब ढीले से हो चुके हैं। और इसके साथ हमने एक पैन में ऑयल गरम किया है। ऑयल जितना गरम होगा तो फिर हम इसमें पकोड़े डालेंगे। ऑयल को ना ज़्यादा तेज़ गरम करना है, बस दरमियाना, के जिससे पकोड़े आराम से फ्राई हो जाए, जले नहीं। मैंने थोड़ा सा बेसन का ड्रॉप डाला था ये चेक करने के लिए कि ऑयल गरम हुआ है कि नहीं, और अब ये गरम हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्राई होने लग गया। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, चाहे फॉक से डाल सकते हैं, मैं इसको स्पून से डाल रही हूँ और हम ये फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है, तकरीबन मीडियम हीट है हमारी। मेरा इंडक्शन कुकर है इसलिए मैं इसको 5 पे, मेरा ये इसकी फ्लेम मीडियम रहती है, तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं, 5 पे नहीं पकाना। एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको टर्न करेंगे तभी दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार से पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए दोनों साइड से बराबर गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े बन रहे हैं। हम इनको निकाल लेंगे थोड़ा सा छान के ताकि ऑयल सारा निकल जाए। इसी तरह हम और पकौड़े डालेंगे और सारे मैदे के पकौड़े तैयार कर लेंगे। दोस्तों पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको कढ़ी में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम सारे पकोड़े कढ़ी में डाल देंगे। ये पकोड़े सारे कढ़ी में डाल दिए हैं, अब ये इसमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। चूल्हा ऑन ही है, अब हम स्टेप 3 में तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, इसके साथ हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जब ये कड़कड़ाने लग जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी चलती की और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे सफ़ेद जीरा क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे, अब ये जितना ऑयल गर्म है इसी में सफेद जीरा हमारा रोस्ट हो जाएगा और अब हम इसको दगार देंगे। वाह, थोड़ी देर के लिए इसको कवर रखेंगे ताकि जो तड़के की स्मेल है वो इसके बीच ही रहे।
तड़का लगाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको तकरीबन तड़का लगाने के बाद 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पर पकाएंगे। दोस्तों टाइम हमारा हो चुका है, हम इसको चेक करते हैं। तो दीजिए जनाब, हाजिर है जबरदस्त सी पकौड़ा कड़ी। तो फ्लेम हमने बंद कर दी है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया और हाजिर है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्दी अगली रेसिपी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।